हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका पंकज रौतेला ब्लॉग्स में। दोस्तों मैं पंकज रौतेला बागेश्वर से। तो दोस्तों आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको भी शायद कहीं नहीं मिलती है, शायद वो पुराणों में भी आपको ना मिले या फिर कोई आपको बताए भी नहीं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं आज ऐसी जगह पर बैठा हूँ जो पीछे आप मंदिर देखते हो, ये लगभग आज से 1200 साल पहले बना था। सन 11वीं सदी में बनाया गया था, जो कि बागेश्वर का एकमात्र जो कि मंदिर है और जो भगवान शिव के लिए जाना जाता है, जिसको पूरे कुआँ भर में बाबा बागनाथ के नाम से जाना जाता है। तो आप दोस्तों जान सकते हो कि ये मंदिर है, इसी के पीछे से देखो ये है बिल्कुल, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, शिव जी के आगे। शिव जी का जो मेन आदमी होता है कौन होता है दोस्तों, वो होते हैं भैरवनाथ, जो भैरव होते हैं, क्योंकि शिव जी का जैसा ही भैरव का भी रूप होता है, और बस उनके गले में सांप नहीं होता है, दूसरे जो भैरव होते हैं उनके पास भी ऐसी शक्तियां हैं कि शिव जी से मिलते जुलते शक्तियां उनके पास, और जो कि इंसानों के लिए और ये समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम करते हैं अपने तरीके से। हम जैसे कोई लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, कुछ है जो भगवान को नहीं मानते हैं दोस्तों। तो आगे की बात हम करते हैं, चलो आपको पहले मंदिर दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको बात करेंगे क्या होता है भगवान शिव जी का, ये मंदिर कैसे प्रसिद्ध है। और जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे दो नदियों का संगम है, मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों, ये यहाँ से आ रही है, ये है सरयू नदी, और यहाँ से जो मेरे सामने से यहाँ से जा रही है जो ये है गोमती नदी दोस्तों, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ से बन के गंगा नदी दोस्तों, अधिकतर जो लोगों को पता नहीं, मैं बता दूँ गंगा नदी एक्चुअल में यहीं से शुरू होती है दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं आपको इतिहास के अनुसार बता रहा हूँ, मेरे पास कई तथ्य हैं कि गंगा नदी यहीं से निकलती है, क्योंकि सबसे पहले उत्तराखंड में जो बोलते हैं उत्तराखंड की पहली नदी है दोस्तों, ये सबसे पहले मान के चलो जहाँ पे आप अभी बैठे हो वहाँ से सबसे दूर की जो फर्स्ट नदी है पहाड़ों से जो निकलती है, यही दो नदियाँ हैं दोस्तों, और यहीं से पानी आगे जाता है। देखिए आप, ये बागेश्वर का शहर है, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो ज़रूर लाइक करें। तो आपको मैं बताऊंगा कि ये जो नदी जाती है कहाँ कहाँ जाती है, जैसे नेपाल जाती है, और नेपाल से होते हुए इस पर काली नदी मिलती है, काली नदी आगे जाके पिथौरागढ़ में जाके दोस्तों, उसके बाद फिर पिथौरागढ़ से होते हुए यहाँ से हल्द्वानी के रास्ते दिल्ली को निकलते हुए यूपी बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल तक ये नदी जाती है, लास्ट में समुद्र में बनती है, और ये नदी को आगे जाके बोलते हैं गंगा नदी, इसी को बोलते हैं दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊंगा मैं बागेश्वर के इस बागनाथ मंदिर जो है पीछे, जब भी भगवान शिव जी बाघ के रूप में आए थे और माता पार्वती गाय के रूप में आए थे। तो आप जान सकते हो कि आप मेरे पीछे देखिए जो ये मंदिर है यही है दोस्तों, जहाँ पे भगवान शिव जी बाघ के रूप में आए थे, माता पार्वती गाय के रूप में आए थे, यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे दोस्तों। आगे ये नदी है, जो ये नदी के बीच में एक पत्थर है, आगे मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, वो पत्थर में ही दोस्तों क्या हुआ, शिव जी वहीं बैठते, वो मार्कंडेय ऋषि वहीं बैठते थे, और शिव जी उनकी तपस्या भंग करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको और भी काफ़ी जानकारियाँ दूंगा, चलो कि दोस्तों शुरू करते हैं। पहले मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ, यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे है भैरवनाथ जी का मंदिर, आप देख सकते हो पीछे, ये मेरे पीछे भैरवनाथ जी का मंदिर है, मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, तो दोस्तों आप बने रहिए। तो दोस्तों ये है भैरवनाथ जी का मंदिर है, और ठीक इसी के सामने बागनाथ मंदिर है, जो भोले बाबा यहाँ पे आए थे तब की उनकी है। तो आपको हम दिखाते भोलेनाथ का मंदिर, चलो फिर दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो मंदिर ही मंदिर है, और ये बागनाथ मंदिर ही है दोस्तों बागेश्वर का, और ठीक इसी के पीछे काफ़ी मंदिर और हैं, तो आप भी बोलोगे कि हाँ सही में है। आप बने रहिए दोस्तों, देखिए पीछे कितने मंदिर हैं दोस्तों, ये सब बाबा बागनाथ जी के मंदिर में, और ठीक इसके समीप जूना अखाड़ा है, इसके सामने में मंदिर हैं आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपको मैं मंदिर काफी करीब से दिखाता हूँ, काफी दूर दूर तक मंदिर आप देख सकते हो ठीक भोले बाबा के सामने, और यहाँ पे जो मेन मंदिर है दोस्तों वो है बाबा बागनाथ का, भगवान शिव जी का है। और आप बने रहिए, आपको दिखाते हैं बाबा शिव जी का मंदिर। तो कुछ इस टाइप से एंट्री है दोस्तों, यहाँ पे एंट्री इस टाइप से,
तो दोस्तों, आपको मैं जिस पत्थर की बात कर रहा था वो पत्थर मेरे ठीक पीछे है, ये देख सकते हो आप, ये है, इसको ब्रह्मा पत्थर बोलते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है वो पत्थर जिस पे मार्कंडेय ऋषि तपस्या किया करते थे, और वो काफ़ी सालों से तपस्या कर रहे थे, जिससे डर था कि आगे जाके ये नदी बाढ़ का रूप दहन कर ले, क्योंकि पीछे जो पत्थर है, यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो अभी तो ये घिस गया दोस्तों, काफ़ी छोटा है, तो ये काफ़ी बड़ा हुआ करता था, पहाड़ के बराबर लगभग आप मान के चलो 200-300 मीटर। तो यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि जब तपस्या किया करते थे तो उनको कई साल हो गए थे यहाँ पे तपस्या करते करते, पीछे जो नदी है वो बाढ़ का रूप धारण कर चुकी थी। और उसके बाद दोस्तों सारे देवता आए यहाँ पे, और देवताओं ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मार्कंडेय ऋषि को तपस्या से उठाएं। तो बाद में सब भगवान परेशान होके और मानव कल्याण के लिए, ताकि ये नदी आगे जाके एकदम ज़्यादा स्पीड में जाएगी तो दोस्तों गांव में पानी भर जाएगा, तो उसके डर से क्या मानव कल्याण के लिए खतरा था, तभी सब भगवान शिव जी के पास गए। और शिव जी की भी जब शिव जी भोलेनाथ यहाँ पर तब आए, तो उस समय उनको भी खुद हिम्मत नहीं हो पाई कि इनको उठाया जाए करके, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बाघ का रूप धारण किया, और माता पार्वती ने गाय का रूप धारण किया। और जब बाघ ने गाय को खाने के लिए दहाड़ मचाए तो एकदम मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भंग हो गई, और ये नदी दोस्तों आगे भी कभी जा पाई। तो इसलिए इस जगह पर शिव जी आया थे, और चाहे कैसे भी आए, तपस्या करके कैसे भी बुलाए, लेकिन इसी की वजह से इस जगह का नाम बागेश्वर पड़ गया दोस्तों, क्योंकि बागेश्वर आप जानते हो, बागेश्वर मतलब बाघ, मतलब बाघ टाइगर, और ईश्वर मतलब भगवान, टाइगर भगवान मतलब कि बागेश्वर मतलब कि भगवान के रूप पे बाघ, जो बाघ है वो भगवान के रूप में आया था, तभी इसका नाम बागेश्वर पड़ा। तो इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ हम आपके लिए लेते आएंगे ब्लॉग, और इसलिए आपको अगर ये गाने बिल्कुल पसंद आई हो तो उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, कुशल मंगल के साथ।